युगो युगो से चल रहा है मेल। ग्रह नक्षत्रों का सब है खेल, ब्रह्मांड में ग्रह रोज बदलते हैं अपनी चाल। आइए जानते हैं आज कौन सी राशि होगी माला माल। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं स्वामी राजर्षि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। 10 वर्ष की आयु से ही मैं अपने पूजनीय पिता श्री गुरु रजनीश ऋषि जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एवं दंत ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। तो क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से सावधान रहना है, यह सब जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशि। जिन भी भक्तगणों ने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा अनुरोध है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो उन तक सबसे पहले पहुंच सके। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर करें, कमेंट करें। आइए अब जानते हैं कि मिथुन यानी कि जेमिनी राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। लॉयर्स के लिए आज का दिन बहुत ही खास है। आज आपकी मुलाकात नए और इन्फ्लुएंशियल क्लाइंट से होगी जो आगे चलकर आपकी करियर ग्रोथ में मददगार साबित होगा। आज आपकी ड्रेसिंग सेंस की प्रशंसा सब जगह होगी और लोग आपको ही निहारते रह जाएंगे। यदि आप स्कूल या कॉलेज के छात्र हैं तो आज अपने टीचर्स की हर आज्ञा का पालन करने से आपको उनकी प्रशंसा मिलेगी। स्टूडेंट्स को आज विशेष तौर पर अपने प्रोफेसर से आज करियर एडवाइस लेनी चाहिए और अपने शिक्षकों के एक्सपीरियंस से सीख लेकर फायदा उठाना चाहिए। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपका या आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे हैं, या नौकरी मिलने में समस्या हो रही है, या नौकरी तो मिल गई है पर प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, इनकम से ज्यादा खर्चा हो जाता है, ट्रांसफर हो रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है, या आपका अपना घर नहीं बन पा रहा है, आपका जो व्यापार है उसमें वृद्धि नहीं आ पा रही है, आपके पास धन की कमी बनी रहती है, या आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, आप हर समय बीमार रहते हैं, या आपके बच्चे बीमार रहते हैं, या अन्य ऐसी किसी भी समस्या से आप पीड़ित हैं, तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर, हमारी वेबसाइट पर जाकर, या ईमेल के माध्यम से, या व्हाट्सएप वीडियो कॉल के द्वारा गुरु रजनीश ऋषि जी से, या गुरु मां रुक्मणी जी से, या आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक छोटी सी फीस जरूर देनी होगी, जिसका प्रयोग शनिपीठ मंदिर की व्यवस्था चलाने के लिए, हमारे द्वारा गरीब लड़कियों के लिए फ्री कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाने के लिए, कर्म के काम जैसे कि यज्ञों महायज्ञों के आयोजन के लिए, प्रसाद एवं लंगर के वितरण के लिए किया जाता है। आपके द्वारा दी गई इसी फीस में से हम अगले दिन प्रमुख रूप से आपके नाम से आपके लिए पूजा अवश्य करते हैं। आज आप किसी से भी उधार लेने से बचें, अन्यथा उधार दिया हुआ धन वापस नहीं लौटा पाएंगे। आज आपको केतु देवता के मंदिर में जाकर उनको शहद का भोग लगाना चाहिए, इससे आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। मिथुन राशि वालों, अगर आप बार बार बीमार पड़ते हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित मूंगे की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि जी द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए। और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं वो चमत्कारी उपाय जिसे करने से आपके जीवन में, यदि आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि ऊपरी बाधाओं का असर है और कोई अलौकिक शक्ति आपके कार्यों में रुकावट बन रही है, तो इस उपाय को करने से ये जो शक्तियां हैं ये निष्क्रिय हो जाएंगी और आपके जीवन में आ रही इन सभी शक्तियों की वजह से जो नेगेटिव एनर्जी है और जो बाधाएं हैं वो दूर हो जाएंगी। इस उपाय को करने के लिए आपको काले घोड़े को 1.25 किलो काले चने की दाल शनिवार के दिन यानी आज के दिन ही खिलानी है और उसके बाद घोड़े के पिछले दाएं पैर की नाल लेकर आज ही के दिन अपने घर के प्रवेश द्वार पर यू के आकार में लगाना है। इसके बाद
आपको 7 बार शनि सिद्ध मंत्र का उपयोग करना है, जो कि इस प्रकार: ओम शम आप दुर्जते नमः। मैं आपके लिए दोबारा इस मंत्र को दोहराने जा रहा हूं, ओम शम आप दुर्जते नमः। इस मंत्र का प्रयोग करने के पश्चात आपको पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना है और शनि देव को दंडवत प्रणाम करना है। यदि आप इस उपाय को श्रद्धापूर्वक करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में आ रही इन सभी बाधाओं से आपको जल्द ही मुक्ति मिल जाएगी। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूं। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम सुब्रतो है, मैं कलकत्ते का रहने वाला हूँ और काम का सिलसिले में मैं रहता हूँ गुवाहाटी में। तो मैं तो पहले पूरा जीरो होके रखा था, मेरा ना ही कुछ काम बन रहा था, मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया था। तो मैं यूट्यूब देखता था, तो एक दिन ऐसे सर्च करते करते गुरु माँ को मैं देखा और हाथों हाथ में उनसे कॉन्टेक्ट किया। तो उन्होंने हमको बोला कि ऐसे ऐसे उपाय करना पड़ेगा, तो मैंने किया। देखिए आप लोग, मैंने अपना हाथों में ये गुरु माँ ने जो अंगूठ दिया था वो मैं पहन के रखा हूँ। 22 डेज में मेरे को अभी, मैं अभी बहुत हैप्पी हूँ, मैं अभी अच्छे से लाइफ जी पा रहा हूँ, मेरा काम भी अच्छे से सही चल रहा है, अभी कोई टेंशन नहीं है। और मैं आप लोगों को भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोगों का कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग आराम से ये अच्छा कर सकते हैं, तब एक बार कम से कम गुरु माँ या गुरु जी से आप संपर्क कर लीजिए, उसके बाद देखिए आपका रास्ता अपने आप खुल जाएगा और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। जय शनिदेव, थैंक यू गुरु माँ, लव यू। हमारे वेदों, पुराणों, धर्म ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अधिक जानने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहें।